वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मीठे यानी शक्कर वाले शक्करपारे बनाना बताऊंगी, जो बनाना बहुत ही आसान है। बहुत बार हम इन्हें घर पे बनाते हैं तो कभी ये तेल में फ्राई करते टूट जाते हैं, या फिर कभी शक्कर बराबर नहीं होने से कभी मीठे कम लगते हैं, कभी ज्यादा लगते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आज आपको बराबर रेशो से इन्हें बनाना बताऊंगी, तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस बर्तन से लो हमें उसी से ही नाप लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक कप शक्कर ली है, एक कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है, एक कप ही मैंने यहाँ पर घी लिया है। आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं, और मैदा लेंगे हम आवश्यकता अनुसार, जितनी जरूरत हो उतनी ही हम मैदा लेंगे। गैस पे मैंने यहाँ पर बर्तन रखा है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब हम शक्कर भी ऐड कर देते हैं। फुल फ्लेम पे हमें रखना है, और एक बार हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। पानी बॉईल होने लग गया है, तो अब हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। 2 मिनट तक ही हमें इसको पकाना है, फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं। पानी को अब हम ट्रांसफर कर देते हैं, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, जितनी आएगी उतनी ही हमें इसमें ऐड करनी है। इसको हमें डो के फॉर्म में लाना है, तो इस तरह हमें इसको हाथों से मिक्स करते रहना है जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाए। थोड़ी मैदा हम इसमें और ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह हमें इसका डो तैयार करना है। डो हमारा तैयार हो चुका है, तो इसको सेट होने के लिए हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल सेट हो गया है। इसे हमें एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसकी अब हम लोई बनाएंगे। तो इस तरह हमें इसकी तोड़ के लोई बनानी है, इस साइज की हम बनाएंगे। बेलने के लिए मैंने यहाँ पर चकला लिया है, आप चाहे तो बोर्ड भी ले सकते हैं। हल्की सी चिकनाई लगाकर हमें इसको बेलना है, इस तरह हमें इसको गोल गोल करके बेलना है, ज्यादा पतला नहीं करना है हमें, इतना ही इसको मोटा रखना है। आप देख सकते हैं अब इसको हम कट करेंगे, इस तरह नाइफ की हेल्प से हमें इसको कट करना है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। साइड वाले पार्ट को हम हटा देंगे, इस तरह मैंने इनको कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमें सारे कट करने हैं। सभी को हमने शेप दे दिया है, तो चलिए अब हम इन्हें तल लेते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है, और उसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम को फुल ही रहने देंगे, और अच्छा जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं तेल में से धुआं आने लग गया, तो गैस की फ्लेम को अब हम कम कर देते हैं, और थोड़ा थोड़े करके हमें इसमें ऐड करना है। थोड़ी सी फ्लेम को हमें तेज करना है, और इसको हमें इसी तरह पकाना है। जब ये हल्का सा पक जाए तो इन्हें हम अच्छे से एक बार हिला देंगे। ये देखिए शक्करपारे जो हमारे सिक कर तैयार हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो चलिए इन्हें अब हम निकाल लेते हैं, और दूसरा राउंड भी हम इसी तरह करेंगे। आप देखिए शक्करपारे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, इतने सॉफ्ट और क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इतने सॉफ्ट जो है हमारे शक्करपारे बने हैं, आसानी से ये टूट जाते हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हम जो भी नाप लें एक ही कटोरी से लें। ये शक्करपारे हमारे 1 से 2 महीने तक खराब नहीं होंगे। चाहे तो हम इन्हें सफर में ले जा सकते हैं, या फिर किसी भी त्योहार या ओकेजन पर हम घर पे ही इन्हें आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।